कुशीनगर में जिस अरमन यादव को भीड़ ने पीट कर मार डाला था वह गोरखपुर के नंदानगर दरगाहिया का रहने वाला था। उसके पिता उमेश प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। अरमन अपनी महिला मित्र से मिलने जिसका जन्मदिन था उसके लिए कुशीनगर गया हुआ। इसी बीच उसका विवाद हुआ और गोलीबारी में एक शिक्षक की जान चली गई। इसी आरोप में भीड़ ने पीट कर अरमन की हत्या कर दी। अब सवाल ये उठता है कि जब वो अपनी महिला मित्र के जन्मदिन के लिए गया था तो आखिर क्यों उसे अपने पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर की जरूरत पड़ गई। कुशीनगर से केकेडी न्यूज संवाददाता दीपक शास्त्री की रिपोर्ट। अब तक आपने शौचालय निर्माण में धांधली या फिर आधे अधूरे निर्माण कार्य की कई खबरें देखी होंगी। आज हम आपको महोबा की एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराने जा रहे हैं जहां पर एक वर्ष पहले शौचालय तो बनाया गया लेकिन उसका ताला आज तक नहीं खोला गया। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायत प्रधान और उनके गुर्गों की दबंगई के चलते शौचालय निर्माण के बाद भी लोग उन्हीं हालातों में जीने पर मजबूर हैं। नरोत्तम सेन जी, शौचालय जो कब से कितने सालों से बनी है शौचालय, जिस सार्वजनिक शौचालय इसमें एक साल हो गया। एक साल अभी तक इसको उद्घाटन नहीं हुआ, कहाँ हुआ? इसका ताला नहीं खुला, कहाँ खुला? इसकी इस शौचालय में किसकी लापरवाही? जिसकी हो, प्रधान की हो, जी की हो, हम तो जो जान नहीं है बताओ कहाँ बोले। तो ये जो खुले में शौच करते हैं कहाँ पर शौच करते हैं और मना करने के बाद ग्रामीण क्या कहते हैं? मना करने के बाद कहते हैं हम कहाँ जाइए लड़ना करने के लिए। क्या उनकी सार्वजनिक शौचालय जो प्रधानमंत्री के द्वारा बनाई गई है आवास शौचालय वगैरह, तो क्या ग्रामीण की शौचालय नहीं बनी अभी तक जो खुले में शौच कर रहे हैं? सबकी बनी है सर, जब उन्हें जाते नहीं है तो क्या करें हम। इसके विषय में ग्राम पंचायत प्रधान से कहा बोला भी है तो बोले क्या करो जाए यार, मजबूरी है। काहे की मजबूरी है? शौचालय बन चुकी है, उद्घाटन नहीं हुआ इसका, इसमें काहे की मजबूरी है? सही है, इसमें क्या दबंगई है ग्राम पंचायत प्रधान की? क्या उनके गुर्गों की, जो उनके गुर्गे हैं प्रधानी करते कौन है? उनके गुर्गे करते हैं कि ग्राम पंचायत प्रधान करते हैं? प्रधान करेंगे, प्रधान। तो उनके गुर्गे क्यों चला रहे हैं पंचायत? अब ये जो हम कहा जाने अब हम बताओ। महोबा से केके न्यूज संवाददाता पवन रावत की रिपोर्ट। कोरोना महामारी के चलते इस वक्त पूरा देश परेशान है, तो वहीं लखीमपुर खीरी के भीरा ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 11 में बोरा टावर और दुर्गा मंदिर के पास रहने वाले पालतू जानवरों से भी लोग काफी परेशान हैं। जानवर उनके दरवाजों के आगे गंदगी फैला देते हैं और अगर किसी के घर का गेट खुला रह जाए तो घर के अंदर भी वे घुस जाते हैं। इसके साथ ही अमिता जूनियर हाई स्कूल के आगे बरसात का पानी भरा होने से उसी पानी में ये गंदे जानवर नजर आते हैं, जिसके चलते लोग काफी परेशान हैं। लखीमपुर से केकेडी न्यूज संवाददाता आलोक मिश्रा की रिपोर्ट।